देखिए, सिख धर्म पूरी दुनिया में मानवता के लिए जाना जाता है, बहुत सेवा भाव है। तो ये तो आपके जो कहते हैं कि परवरिश में ही है, लेकिन हर सिख जितेंद्र सिंह शंटी नहीं है। देशभक्त होना एक बात होती है, लेकिन जानते बूझते हुए मौत के मुंह में जाना, और यदि हम स्वयं जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो लोग बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं माता पिता के रूप में, और बहुत रक्षा करते हैं। आपको डर नहीं लगा? देखिए, आपके बेटे को भी 2 बार कोरोना हुआ। ये ईश्वर की कृपा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप जैसे महनीय व्यक्तित्व की आप लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है समाज में। जिस समय लोग अपनों को नहीं छू रहे थे, उस समय आपने जाकर सेवा करी। लोग एम्बुलेंस के लिए कितने कितने पैसे कमाए, आपने फ्री सेवा करी, निस्वार्थ निष्काम सेवा जिसे कहते हैं। तो एक पिता होने के नाते आपको ये नहीं लगा, अपने बेटे के लिए डर नहीं लगा, दर्द नहीं लगा? स्वयं के लिए तो करना एक बात। देखिए, जो सैनिक हैं या जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे डॉक्टर हैं, वो उस नौकरी में हैं, उनका कर्तव्य है। यदि वे नहीं करेंगे, उनको डिमोट कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपकी तो समाज सेवा थी, यदि आप चाहते तो आप पीछे हट सकते थे। तो क्या भय नहीं आया? और बच्चे के लिए देखिए, बच्चे मेरे 2 नहीं थे ना, उसके अलावा जो मेरा स्टाफ था वो भी मेरे बच्चे थे, जी, जो 20-25 साल से मेरे पास सेवा कर रहे थे। अगर मैं पीछे हटता और अपने बच्चों को पीछे हटाता तो वो आगे क्यों आते, ये मैंने सोच रखा था। क्योंकि पहला जब कोविड आया तो हम सारे कोविड में चले गए, जी, मैं, मेरी मिसी, दोनों बेटे, मैं डेथ बेड पे चला गया, मेरा बीपी 35 रह गया, मेरा ऑक्सीजन 70 रह गया। लेकिन ईश्वर ने मदद करी, मेरा एक ड्राइवर उसमें चला गया, जी, पहले वाले में मैं बच गया उसमें। तो जब 14 दिन के क्वारंटीन के बाद हम बाहर आए तो मीडिया ने पूछा कि शंटी जी, अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? तो मैंने कहा, मुझे वो मिलिट्री वाले की बात याद आती है जो करगिल के युद्ध में जिसकी एक आंख में गोली लगी थी, जब उसको मीडिया ने पूछा था कि अब आपका जज्बा बढ़ा है तो कम हुआ है या कम हुआ है, तो उसका जवाब बड़ा अच्छा था कि दुश्मन को एक आंख बंद करके गोली मारता था, अब तो परमानेंट बंद हो गई है, टिका टिका के मारूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।